समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सिया के पावन सानिध्य में शक्तिपात दीक्षा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान। गुरु सिया का सिद्ध योग के बारे में कहना है। योग का मतलब प्लस आत्म साक्षात्कार, और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जब से सारे कष्टों का अंत होता है। भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जब के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान दो तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, समझे। बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूँ ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है, वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं सारे। मेरा एक वेबसाइट है उसको देख के ये कलर ड्रेस आया, एक्टर ये ऐसा ही है, तस्वीर का ध्यान किया योग होने लग गया, वो एड्स थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, अब सारे में से छूट जाते हैं, ये आश्चर्य है। तो इस नाम जब पहले एड तो तामसिक ग्लैंड्स पे होते हैं, वो सब साइड हो जाती है। साधक जब नाम जब ध्यान करता है ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है, रीढ़ के हड्डी के आखिरी हिस्से में जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं 3.5 घंटे लगा करके सोई रहती है, उसको चेतन करके उर्ध गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है, उस पर कंट्रोल रहता है गुरु का। तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा तो योग है ध्यान, और ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे, एक तो 1906 में प्रकट हो गया और दूसरे में भविष्यवाणी है अरविंद की कि वो संजीवनी मंत्र होगा, वो मोस्ट सीक्रेट होगा, माइस्टिक होगा, परंतु अभी नॉट येट रिवील। वो अंदर से इंस्पायर्ड होगा संजीवनी मंत्र, इसलिए का हनुमान जी लाए थे संजीवनी लक्ष्मण के लिए, बेहोश हो गया था, मरा नहीं था, मर गया तो जिंदा नहीं होगा, मगर जिंदा है तो उस मंत्र से मरेगा नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं जो दीक्षा लेने आते हैं कि एड्स कैंसर से नहीं मरोगे अगर इस नाम को जपते रहे। अरविंद ने उसे सुपरामेंटल फोर्स कहा है, कृष्ण को कहता है सुपरामेंटल फोर्स। तो ये एक विकास है भाई जो आप में होगा, ये जीवन मुक्त हो जाओगे, ये सिद्ध योग है। सिद्ध बाकी योग है ना, सिद्ध योग में वो कुंडलिनी योग करवाती है, साधक नहीं करता, उसको रोक नहीं पाता। सत्य जानने के लिए सभी जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित किया जाता है। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है, के आधा लय में मिलावा और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ऐ के ऊपर बिंदी लगती अंग हो जाता ना अंग, अभी आप मन ही बोलो अंग तो यहां स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है, एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व तो है वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा, बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे, तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग,